हे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे BCA की, यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की, उसके बारे में कि इसका कोर्स किस तरीके से करना होता है, उसका करिकुलम क्या होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है, और उसके बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर दी जाती है। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। इस बैचलर डिग्री का मेन फोकस होता है स्टूडेंट को IT इंडस्ट्री से रूबरू कराना, उसके बारे में जानकारी देना, और जो जो लैंग्वेज जो मेनली यूज की जाती है उनके बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, डाटाबेस क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है, इन सब के बारे में जानकारी देना। BCA जो कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल की, और जिसे 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाता है। एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। जिन भी बच्चों को IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो BCA के थ्रू इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होंगी आपको BCA में अप्लाई करने के लिए। BCA में अप्लाई करने के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए, जिसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसमें इंग्लिश कंपलसरी है। जो एज लिमिट है वो है 17 साल से लेके आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 22 से 25 साल तक। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी रखती हैं, और किसी में पर्सनल इंटरव्यू होता है, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी होती हैं जो आपके 12th के मार्क्स पे मेरिट बेसिस पे बच्चों को एडमिशन देती हैं। काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि BCA के लिए बस वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास साइंस हो, या फिर 12th में कंप्यूटर साइंस जिन्होंने ली हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। BCA के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो, या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। लेकिन अगर आपने 12th में मैथ्स ली है और आपके पास कंप्यूटर साइंस भी है, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है BCA कंप्लीट करना, क्योंकि मैथ्स में जैसे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होती है वो भी यूज होती है BCA के अंदर, तो उससे काफ़ी आपको इजी हो जाता है आराम से BCA अपनी क्लियर करने में। अब जानते हैं कि BCA की ड्यूरेशन क्या होती है। BCA 3 साल का प्रोग्राम है, इसके बाद बच्चे MCA कर सकते हैं। MCA और BCA अगर आप कंबाइनली कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो डिग्री होती है वो इक्विवेलेंट हो जाती है BTech के बराबर, और ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि BCA MCA करने में उतना ज़्यादा आपको फीस नहीं देना पड़ता है जितने कि आपको एक BTech के लिए देना पड़ता है एक रेपुटेटेड कॉलेज में। तो अब जानते हैं BCA के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस सिखाई जाती है और कौन कौन से आपको स्किल्स सिखाई जाती है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है आपको C, बेसिक और एडवांस। नेटवर्किंग सिखाया जाता है आपको WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में सिखाया जाता है। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। एडवांस C लैंग्वेज सिखाई जाती है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है। मैथमेटिक्स होती है आपकी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, इसमें आपको विजुअल बेसिक भी सिखाया जाता है। साथ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP, जावा, ओरेकल, वेब स्क्रिप्टिंग, और ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, और साथ ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया जाता है। तो अब जानते हैं स्कोप क्या है BCA करने के बाद। BCA और MCA करने के बाद आपका स्कोप बहुत अच्छा हो जाता है, आप एक IT प्रोफेशनल बन जाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब सब कुछ सॉफ्टवेयर ड्रिवन ही हो रहा है, जैसे कि आप कंप्यूटर हो गया, या आप अब देख रहे हैं IoT आ रहा है यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि आप अपने घर को कंट्रोल कर सकेंगे थ्रू मोबाइल्स, वेब एप्लीकेशन वगैरह के थ्रू। वेबसाइट इतनी ज़्यादा बनाई जा रही हैं, एप्लीकेशंस मोबाइल की इतनी ज़्यादा बनाई जा रही हैं, और साथ ही अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना आ गया, और ऑटोमेशन का भी काफ़ी कुछ स्टार्ट होने लगा है। सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए इनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको इस तरह के कुछ प्रोग्राम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको BCA चाहिए होती है, MCA चाहिए होती है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो इसको बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है IT का, आने वाले फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, और हर फील्ड में यूज होने वाला है, जैसे कि मेडिकल में, मिलिट्री में, या आप जिस भी फील्ड में देख सकते हैं उसमें हो सकता है। आप सेल्फ ड्राइविंग कार बनाएंगे तो उसके अंदर आपका प्रोग्रामिंग करनी होगी, ड्रोन्स उड़ेंगे उनके अंदर प्रोग्रामिंग होगी, जो भी हर तरह का जो काम होने वाला है वो IT से रिलेटेड ही होगा।